बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो मार्केट इक्विलिब्रियम के टॉपिक में से क्वेश्चन है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि किस तरह इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड की जाती है। मैथमेटिकली भी हम इसको फाइंड करेंगे और ग्राफिकली भी। तो जो क्वेश्चन है आज का हमारा वो है Q प्लस पी इज इक्वल टू 5 एंड 2P माइनस Q इज इक्वल टू 5.5। दो इक्वेशन जो हैं वो गिवन है। नंबर वन हमने फाइंड करना है फाइंड आउट डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, तो दोनों इक्वेशंस को पहले हम अरेंज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को अरेंज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है Q प्लस पी इज इक्वल टू 5, प्लस पी दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पी। तो ये इक्वेशन जो है ये डिमांड इक्वेशन है, डिमांड की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो प्राइस है उसका कोएफिशिएंट, उसका साइन जो है वो नेगेटिव है। इट इज़ अ डिमांड फंक्शन। As coefficient of P is negative, क्योंकि quantity demanded और price में inverse relation होता है, इसलिए जब हम equation को in terms of quantity arrange करते हैं तो price का जो coefficient है, price P के साथ जो sign है वो negative आता है। Negative sign क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के इन्वर्स रिलेशन को शो करता है। सेकंड इक्वेशन को अब हम अरेंज करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 5.5 माइनस क्यू दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 5.5 इधर आएगा तो माइनस 5.5। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्यू इज इक्वल टू माइनस 5.5 प्लस 2p। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो P का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, लिहाजा ये सप्लाई फंक्शन है, क्योंकि इसमें P का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। P का कोएफिशिएंट इंडिकेट कर रहा है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस है उनमें डायरेक्ट रिलेशन है। पॉजिटिव साइन इन दोनों के डायरेक्ट रिलेशन को जाहिर कर रहा है। इट इज़ अ सप्लाई फंक्शन। As coefficient of P is positive. तो ये डिमांड की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें P का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए P के साथ माइनस का साइन है। ये सप्लाई की इक्वेशन है, क्योंकि सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है और डायरेक्ट रिलेशन पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है। तो इस इक्वेशन में पी का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, लिहाजा ये है क्यू डी और ये क्यू एस। ये था ए पार्ट। बी पार्ट में हमने इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे। क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी, इधर क्यू एस की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 5.5 प्लस 2p इज इक्वल टू क्यू डी की वैल्यू है 5 माइनस पी। माइनस पी दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस पी, और ये माइनस 5.5 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 5.5, साइन चेंज हो जाएगा इसका। 2p प्लस पी ये आ जाएगा 3p। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 10.5। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 10.5 को 10.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया जी 3.5। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई 3.5। इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3.5। अब हम ये पी की वैल्यू क्यू डी और क्यू एस दोनों की इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, और जो दोनों का आंसर होगा वही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी।
एट पी इज इक्वल टू 3.5। पहले हम क्यू डी की इक्वेशन में पुट करते हैं, ये क्यू डी की इक्वेशन में जिधर पी है उधर 3.5 पुट करेंगे, 5 माइनस 3.5 तो ये आ गया 1.5। अब हम क्यू एस की इक्वेशन में पी की वैल्यू पुट करेंगे, -5.5 प्लस 2 पी की जगह 3.5, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू एस इज इक्वल टू -5.5, ये 2 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, क्यू एस इज इक्वल टू 7 माइनस 5.5 तो ये आ जाएगा 1.5। तो क्यू एस भी 1.5 और क्यू डी भी 1.5, इट मीन्स कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो है 1.5। अब हमने ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम एक टेबल जो है टेबल कंप्लीट करते हैं, और टेबल में हमने जो पी की वैल्यूज अज्यूम करनी है उसमें एक वैल्यू ये 3.5 होनी चाहिए। इधर मैं डी और एस दोनों की इक्वेशंस दोबारा लिख लेता हूँ, क्यू डी 5 माइनस पी एंड क्यू एस है -5.5 प्लस 2p। टेबल हम कंप्लीट करते हैं, टेबल की फर्स्ट रो में प्राइस, सेकंड में क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं और थर्ड में क्वांटिटी सप्लाइड। अब एक वैल्यू 3.5 हमने लाजमी पी की वैल्यूज में लेनी है, एक तो आ गई 3.5, एक इससे ग्रेटर ले लेते हैं, एक आधी से ग्रेटर ले ले, एक आध लेस ले लिया करें, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे एक आध वैल्यू आप बड़ी ले लें, एक आध आप छोटे एक ले लें या दो ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 3 या 4 आपने कम्बिनेशन ज़रूर यूज़ करने हैं, 3-4 वैल्यूज आपने यूज़ करनी है, क्योंकि पी प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इसको अपनी मर्जी की वैल्यूज है वो साइन कर सकते हैं। तो एक वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ 4 और एक मैं अज्यूम करता हूँ 3 और एक 2। अब हम ये पी की वैल्यूज 1 बाय 1 क्यू डी और क्यू एस में पुट करेंगे और उनके जो आंसर आते जाएंगे हम क्यू डी और क्यू एस के सामने वो वैल्यूज लिखते जाएंगे। तो पहले मैं क्यू डी में पी की जगह 2 पुट करता हूँ, एट पी इज इक्वल टू 2, क्यू डी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया 3। अब क्यू एस भी फाइंड कर लेते हैं, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस की इक्वेशन में भी हम पुट करते हैं, पी की जगह 2 पुट करेंगे, -5.5 प्लस 2 इंटू 2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू एस इज इक्वल टू -5.5 प्लस 4, क्यू एस इज इक्वल टू -5.5 प्लस 4, ये -1.5 आ जाएगा। तो जब पी 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 3, क्यू डी 3 और क्यू एस आ गया -1.5। अब हम इन दोनों इक्वेशन में 3 पुट करेंगे, एट पी इज इक्वल टू 3, क्यू डी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, ये 2 आ गया, क्यू एस इज इक्वल टू -5.5 प्लस 2 इंटू 3, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -5.5 प्लस 6 तो ये आ जाएगा +0.5, ये क्यू एस की वैल्यू आ गई। 3.5 पे हम पहले क्यू डी और क्यू एस फाइंड कर चुके हैं, वो 1.5 आया, ये आया था 1.5 और ये भी 1.5, ये इक्विलिब्रियम लेवल है, तो इसको हम टेबल में हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि 3.5 वो प्राइस है जिसके ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल है। अब हम पी की जगह 4 पुट करते हैं, एट पी इज इक्वल टू 4, क्यू डी इज इक्वल टू 5 माइनस 4 तो ये 1 आ गया, एंड क्यू एस इज इक्वल टू -5.5 प्लस 2 इंटू 4, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -5.5 प्लस 8
तो माइनस 5.5 प्लस 8 ये आ जाएगा 2.5। ये हमारे पास प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड के कम्बिनेशन आए। अब हम इनको यूज़ करके तो ग्राफ ड्रा करते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे हम प्राइस ले लेंगे। तो जो क्वांटिटी के यूनिट्स लेने हैं, ये क्यू डी और क्यू एस की वैल्यूज़ में जो लार्जेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 3 और स्मॉलेस्ट है -1.5। तो मैं 0.5 के डिफरेंस से यूनिट ले लेता हूँ, 0.5, नेक्स्ट आ जाएगा 1, देन 1.5, 2.5, 3, इधर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी है तो माइनस एक्सिस पे भी हम पॉइंट्स लेंगे, -0.5, -1, -1.5। प्राइस की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 2, 3, 3.5 एंड 4। तो इधर हम, इधर भी मैं 0.5 के डिफरेंस से यूनिट ले लेता हूँ, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 एंड 3.5। पहले हम डिमांड कर्व ड्रा करते हैं। तो जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है 2 एंड 3। क्वांटिटी है 3 और प्राइस है 2। तो ये क्वांटिटी 3, स्केल आपने यूज़ करना है 3 के ऊपर और 2 के सामने। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया जी हमारे पास। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 3 एंड 2। क्वांटिटी 2 है और प्राइस 3 है, 2 के ऊपर और 3 के सामने। ये सेकंड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है जी 3.5 एंड 1.5। क्वांटिटी 1.5 के ऊपर और प्राइस 3.5 है तो 3.5 के सामने। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। लास्ट है जी 4 एंड 1। क्वांटिटी 1 है और प्राइस जो है वो 4 है, तो 1 के ऊपर, 4 ये ऊपर, 3.5 के ऊपर, 4, 1 के ऊपर और 4 के सामने। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स को आपस में जॉइन करेंगे, ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हुई कर्व TD, ये डिमांड कर्व आ गई हमारे पास। इसके ऊपर इक्वेशन आपने लिख देनी है। इसकी इक्वेशन है QD इज इक्वल टू 5 - P। अब हम सप्लाई कर्व ड्रा करते हैं। अब हमने प्राइस और QS के कम्बिनेशंस को यूज़ करना है। तो फर्स्ट कम्बिनेशन है 2 एंड -1.5। क्वांटिटी -1.5 के ऊपर और 2 के सामने। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया जी। नेक्स्ट है जी क्वांटिटी 0.5 और प्राइस है 3। तो 0.5 आप पॉजिटिव है, इधर आ गए हम 0.5 के ऊपर और 3 के सामने। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 3.5 एंड 1.5, ये सेम पॉइंट आएगा कॉमन दोनों में। लास्ट है जी क्वांटिटी ऑफ 2.5 और प्राइस है 4। तो 2.5 के ऊपर और 4 के सामने। अब ये जो ब्लैक पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को आपस में जॉइन करेंगे। तो ये पॉजिटिवली स्लोप कर्व जो है, ये सप्लाई कर्व, ऐसा सप्लाई कर्व हासिल हुई हमें। इसकी जो इक्वेशन है वो है
क्यू एस इज इक्वल टू माइनस 5.5 प्लस 2p। अब जिधर इन दोनों लाइंस ने ब्लू और ब्लैक ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिधर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये 1.5, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस 3.5, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जी। तो ये ग्राफिकली जो है वो इक्विलिब्रियम हमने शो किया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस ये 3.5 स्टैरिक इक्विलिब्रियम प्राइस हमने फाइंड की। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मैथमेटिकली और ग्राफिकली जो है वो फाइंड की। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।